ओके, एक्टिव इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अगर एडजस्टमेंट में होगा तो दो जगह पे आएगा, एड इन इनकम एंड एड इन असेट। अगर वही ट्रायल बैलेंस में होगा तो इट विल बी हैविंग डेबिट बैलेंस और वो असेट साइड पे आएगा। ठीक है, तुझे किधर मिला वो, तुझे किधर मिला वो, जैसे किधर मिला तुझे वो? ट्वेल्थ क्वेश्चन इसमें क्या? इसमें किधर है? अच्छा, मैंने जो नोट्स भेजे थे उसमें। ठीक है, नो इशू। आगे नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉलोइंग इज राइट, क्वेश्चन नंबर सिक्स करना है एवरीवन। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता इंटरप्राइजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। ठीक है, आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, दे आर गिवन यू ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, कैपिटल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का मुझे इतना सोचना नहीं है, आई विल डायरेक्टली कम टू राइट एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट 7,900 एट कॉस्ट प्राइस एंड 7,500 एट ए मार्केट प्राइस। राइट, ऑब्वियसली यू विल वैल्यू इट, राइट, यू विल वैल्यू इट एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच ओवर इज लोअर, राइट, दैट इज एट कॉस्ट प्राइस। आप इसको कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू करोगे, बराबर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 125 स्पेंड फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग। मुझे बोलो इसके इफेक्ट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 125 फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग। टाइप करो, इफ यू रिक्वायर यू कैन ऑल्सो अनम्यूट यूर सेल्फ। लेट मी अनम्यूट एवरी वन, या आप अनम्यूट भी कर सकते हो, राइट, आप अनम्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, सो क्या दो इफेक्ट्स आएंगे? ओके, परफेक्ट, गुड गुड। दुर्गा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एड इन ड्रॉइंग्स, परफेक्ट दुर्गा। मानसी, लेस फ्रॉम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एड इन ड्रॉइंग्स, परफेक्ट। भूमिका, करेक्ट, परफेक्ट। दिस इज, इसमें हुआ क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें हुआ क्या है, राइट, यस प्राची, करेक्ट। इसमें हुआ क्या है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, और हमने क्या किया है उसमें पर्सनल एक्सपेंस डाल दिए, तो वी हैव टू रेक्टिफाई। हमें क्या करना होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस से माइनस करना होगा। पर्सनल ट्रैवलिंग इज ड्रॉइंग्स एंड नॉट बिजनेस एक्सपेंस। ड्रॉइंग्स अलग, पर्सनल एक्सपेंसेस अलग, मतलब ड्रॉइंग्स अलग एंड बिजनेस एक्सपेंसेस अलग। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स, वहां से एक्सक्लूड करो एंड एड किया जाएगा ड्रॉइंग्स में। नेक्स्ट, मतलब कैपिटल को डेबिट मारेंगे। 175 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स विच वर ड्यू फ्रॉम मिस्टर अशोक, विच वर ड्यू फ्रॉम मिस्टर अशोक ए डेटर एंड 5% आर डी टू बी मेंटेन ऑन द डेटर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैड डेट्स है 175 एंड आर डी डी है राइट 5%। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है तो उसमें न्यू बैड डेट्स ऐड हो जाएगा पी एंड एल डेबिट पे, एंड डेटर्स में से किधर है डेटर्स, यस डेटर्स में पहले बैड डेट्स माइनस होगा और फिर आरडी माइनस होगा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज ऑन क्रेडिटर्स टू बी मेंटेन 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। बैड डेट्स है, आरडीडी है, पीडीडी भी है, तीनों है डेटर्स पे, एंड क्रेडिटर्स पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है। ठीक है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। लेट मी टेक,
प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। समझा? चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एवरीवन विद मी, एवरीवन विद मी। चलो यस, कॉलेज कब स्टार्ट होने वाले थे तुम लोगों के? कुछ बोला है क्या 12th के कॉलेज? एनी अनाउंसमेंट? कॉलेज स्टार्ट होने वाले मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन होने वाला है ना कि ऑफलाइन? एट्थ जून? अच्छा 15th जून, 15 जून को होंगे सब ऐसे लगता है, 15 जून तक तो हो जाएंगे। इवन तब तक 12th के एग्जाम की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, 12th एग्जाम्स आर ऑन होल्ड ना। करते हैं स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस, इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस, या इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस, then there is a capital account, understand? हो गया फॉर्मेट ड्रॉ करके। इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय बैलेंस गॉट डाउन, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स 1750, ओपनिंग स्टॉक 8000, टू ओपनिंग स्टॉक 8000, परचेस एंड सेल्स टू परचेसेस इनर कॉलम में 16,500 बाय सेल्स, इनर कॉलम में 22,500, रिटर्न्स लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स डेबिट का रिटर्न क्रेडिट से, क्रेडिट का रिटर्न डेबिट से, उल्टा। ठीक है, डेबिट का रिटर्न क्रेडिट से माइनस करो, डेबिट पे कितनी रिटर्न्स है 625, वो सेल्स रिटर्न रहेंगे। सो 22,500 में से 625 गया, 500 गया तो 22 बचेगा, फिर 100 गया 21,900, एंड फिर 25 गया 21,875। देखो बराबर आ गया। आगे नेक्स्ट, या क्रेडिट के रिटर्न्स डेबिट से माइनस करो, 750 माइनस होगा 15,750 आएगा, 15,750
नेक्स्ट आगे कैरेज आउटवर्ड टू पी एंड एल में आएगा, टू कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल में आएगा, कितना है बोलो? फोर ट्वेंटी फाइव. नेक्स्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग में, अनप्रोडक्टिव वेजेस पी एंड एल में. प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग में टू प्रोडक्टिव वेजेस, हमेशा प्रोडक्टिव मीन्स विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड गुड्स, प्रोडक्टिव वेजेस हमेशा ट्रेडिंग में आएंगे. वेजेस भी दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव ट्रेडिंग, अनप्रोडक्टिव पी एंड एल 1000 टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 600. प्रोडक्टिव वेजेस अनप्रोडक्टिव वेजेस, सैलरीज 1000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. सैलरीज 1000 नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1125, इनर कॉलम में उसमें एडजस्टमेंट है. ट्रेड एक्सपेंस, मुझे बोलो ट्रेड एक्सपेंस कहां पे आएगा? यस एवरीवन, ट्रेड एक्सपेंस कहां पे आएगा? अच्छा सेंटर एक्सपेंस भूल गया, अच्छा बोलो ना ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएगा पी एंड एल में आएगा? कोई बच्चे बोल रहे ट्रेडिंग में आ रहा है, कोई बोलेगा पी एंड एल में आएगा. डिपेंड्स ऑन, देयर इज अनदर एक्सपेंस, उसका जोड़ीदार है क्या उस पर डिपेंड करेगा. अगर उसका जोड़ीदार है तो ट्रेड एक्सपेंस ऊपर जाएगा, जोड़ीदार नीचे रहेगा. जोड़ीदार कौन सा है? सेंडरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस है क्या? या देखो सेंडरी एक्सपेंस है तो दोनों साथ चल रहे हैं, ट्रेड एक्सपेंस भी है और उसका जोड़ीदार भी है, तो दोनों को स्प्लिट करो, एक ऊपर एक नीचे. चलो या तो ट्रेड एक्सपेंस ऊपर टू ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस या 325. हाँ अगर उसका जोड़ीदार नहीं रहता, अगर उसका जोड़ीदार नहीं रहता तो नीचे डाल देते ट्रेड एक्सपेंस को. उसके बाद फ्यूल एंड कोल, ऑब्वियसली फ्यूल एंड कोल 250. डिस्काउंट पी एंड एल 460, डेबिट का डेबिट पे, क्रेडिट का क्रेडिट पे. यस 550. नेक्स्ट सेंडरी एक्सपेंस, कितने सेंडरी एक्सपेंस? 225. Then, bad debts, two bad debts, 2 bad debts, yes, 200, इसको old बोलते हैं, right, inner column में, new bad debts add करनी होंगे, plant and machinery, furniture, assets, fix assets, plant and machinery, yeah, 20,000. Then furniture, 5,500 इन अ कॉलम में, दोनों पे डेप्रिसिएशन है, दोनों पे डेप्रिसिएशन है. आगे पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस किधर जाएंगे, पैकिंग एक्सपेंस किधर जाएंगे, क्या लगता है आपको?
ट्रेडिंग, आर यू श्योर? आर यू श्योर ट्रेडिंग में जाएंगे? क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकिंग्स, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग ट्रेडिंग में जाता है, सेकेंडरी पैकिंग पी एंड एल में आता है। लेट मी चेक टेक्स्टबुक में क्या लिखा है, आई डोंट नो, मुझे भी चेक करना होगा एग्जैक्टली वो क्या मानते हैं, प्राइमरी मानते हैं सेकेंडरी मानते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ केस में ठीक से लिखा होगा, ट्वेल्थ केस में है प्रॉब्लम। यहां पे उन्होंने एकदम डिटेल में ट्रेडिंग अकाउंट दिया है। आप यहां पे देख सकते हो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस स्पेसिफिक, वही मैंने बोला प्राइमरी ऊपर आता है। यहां पे आप देख सकते हो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ऊपर, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस नीचे, यही मैं आपको बोल रहा था। हम ट्रेडिंग में लेके देखते हैं, ठीक है? अगर ट्रेडिंग में लेके हमारा आंसर उनके साथ टैली नहीं होता तो पीएनएल में रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट टैली नहीं होता तो हम पीएनएल में लेंगे। ठीक है, पेज नंबर बोलो रे, पेज नंबर मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल देता हूँ, पेज नंबर। अच्छा 323, मतलब मुझे 10 पेजेस आगे जाने होगा। या चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, हम ऊपर डाल देते हैं। मैंने क्या बोला, देयर आर स्पेसिफिक प्राइमरी और सेकेंडरी, से स्पेसिफिक होता है, उन्होंने लिखा हम प्राइमरी बोल के डाल देते हैं इसमें ट्रेडिंग में, लेकिन चार्जेस यस 175। हमारा आंसर टैली नहीं होता तो ग्रॉस प्रॉफिट टैली नहीं होता, मतलब वो नीचे होना चाहिए। फिर आगे उसके बाद पैकिंग एक्सपेंसेस और पैकिंग चार्जेस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों को एडजस्टमेंट है। डेटर्स को तो तीनों एडजस्टमेंट है, That is hardly paid. 10,090 creditors. Yeah. Creditors 6,750. Again. Cash in hand. Asset 2,200. Investments. Assets, investment, इतनी के कुछ रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया क्या? नहीं, 10,250। नहीं, आरडीडी क्रेडिट है और हम क्रेडिट पे ही डालते हैं। यू मे प्रिपेयर आरडीडी अकाउंट, आरडीडी ओल्ड आप कर भी सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। 150 ठीक है, ट्राई बैलेंस एज ग्रुप पे गया, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग को क्रेडिट 7,100, ट्रेडिंग को क्रेडिट वी विल एड इन द एसेट। जनरली एडजस्टमेंट को दो पेन से लिखते जाओ,
उसका फायदा ही होगा ना आपको, रिवीजन में बहुत इजी पड़ेगा कि ये इसके इफेक्ट्स थे। आगे नेक्स्ट, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल ट्रैवलिंग, उसमें इंक्लूड है वहां से एक्सक्लूड करो, लेट्स पर्सनल ट्रैवलिंग लेस पर्सनल ट्रैवलिंग 125 पर्सनल है, तो बिजनेस के लिए हो गई 1000। सो पीएनएल में बिजनेस के ही एक्सपेंस बचते हैं, बाकी कोई नहीं, ठीक है, एक्सपेंस से निकाला बिकॉज वो बिजनेस का नहीं है। पीएनएल ट्रेडिंग बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं एंड पर्सनल एक्सपेंस ड्रॉइंग्स होता है टू, वहां से माइनस किया यहाँ पे डेबिट होगा, डेबिट से माइनस किया उधर, डेबिट से माइनस किया मतलब वो क्रेडिट हो गया, डेबिट से माइनस किया, डेबिट को उल्टा किया, माइनस को क्या हमने उल्टा किया, वो क्रेडिट हुआ यहाँ पे डेबिट होगा टू राइट पर्सनल ट्रैवलिंग। या उधर क्रेडिट है इधर डेबिट है 125। ये मत बोलना सर हमने डेबिट पे लिखा है मतलब डेबिट किया है, अरे डेबिट पे माइनस किया है मतलब डेबिट का उल्टा किया है क्रेडिट, डेबिट में ऐड करना मतलब डेबिट, डेबिट से माइनस करना मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में ऐड करना मतलब क्रेडिट, क्रेडिट से माइनस करना मतलब डेबिट, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, दो इफेक्ट्स हो गए, यस चलो दो इफेक्ट्स, यस सर जब तक दो इफेक्ट होगे नहीं बैलेंस शीट टैली होगी नहीं। आगे नेक्स्ट, 175 to be written off as a bad debts, less bad debts, new bad debts 175 are to be written off as bad debts, ठीक है, so कितने debtors बचेंगे, 10,000 90 से 175 गया, 90 जाएगा तो 10,000 बचेगा, 10 जाएगा तो 9,990 बचेगा, और 65 गया 9,930 शायद से 30 या 35, अच्छा गलत गलत बोला मैंने, माइनस करना है ना, वही मैं बोलू 9,915 बचा, 9,915 10,000 था, 90 के बाद 10 माइनस होने के बाद 9,990 फिर 75 माइनस, अच्छा 75 माइनस करना है 78, ठीक है बराबर है, यस परफेक्ट 9,915 नहीं, आगे फिर आरडीडी 5% लेस, न्यू आरडीडी 5% 9,915 का 5%, 10% आएगा 991.50, 10% आएगा 991.50, इसका हाफ चाहिए, इसका हाफ कितना आएगा 2 से डिवाइड करो, 2 4 8 1 कैरिड, 2 9 18 1 कैरिड, 2 5 10 1 कैरिड, 2 7 14 1 कैरिड, 2 5 0.75 ऐसे कुछ तो आएगा, इसका 5% 496 राउंड ऑफ करके, बट मैं उसको ठीक है आगे आप उसको राउंड ऑफ ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 496 ठीक है। आगे कितना बचेगा फिर, नाइन फोर वन नाइन ठीक है 9,419 फिर इससे माइनस होगा न्यू पीडीडी, कैलकुलेशन है बस बाकी कुछ नहीं, प्रोसेस वही है, पीडीडी न्यू पीडीडी नीचे लिखा है 2%, डेटर्स पे 2% की पीडीडी है, प्रोविजन इसका 1% आएगा 94.19, 94 का डबल 90 का डबल 180, 188 आना चाहिए,
188 आना चाहिए, या तो कितना बचेगा 9231, राउंड ऑफ करके 9231, 9231। तो पहले हमने बैड डेट्स माइनस किया, उसके बाद हमने आरडीडी माइनस किया, और उसके बाद हमने पीडीडी माइनस। सीक्वेंस हमेशा रहता है, ये सीक्वेंस हमेशा रहेगा, और ये जो लॉसेस हो गए सब लॉसेस है, ये डेटर से माइनस हो गया, असेट से माइनस हो गया, डिप्रेशन जैसा, इनको पीएनएल में डाल दो। टू टू बैड डेट्स में ऐड किया जाएगा, ऐड न्यू बैड डेट्स 200 में 175 ऐड करोगे, 200 में 175 ऐड करोगे 375 हो जाएगा, 375 द टोटल बैड डेट्स ऑफ दैट ईयर, टोटल बैड डेट्स ऑफ दैट ईयर इज 275। अगेन 375 देन टू न्यू पीडीडी, या पहले आरडीडी आएगा, न्यू आरडीडी, डेटर से माइनस हुआ है लॉस है, पीएनएल के डेबिट पे डालो, प्रोविजन कर रहे हैं हम लोग 496, एंड फिर टू न्यू पीडीडी, ये भी प्रोबेबल लॉस होता है, हमने डेटर से माइनस किया है, पीएनएल को डेबिट करो तो प्रोविजन मेंटेन हो जाएगी। आगे नेक्स्ट, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट एडजस्टमेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। आगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% रख दिया, एंड क्रेडिटर्स 3%, क्रेडिटर्स पे रिजर्व मेंटेन करना है लेस, पीडीसी एट द रेट ऑफ 3%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 3% रखने को बोला है, 1% रहेगा 67.5, 67.5 1% रहेगा, उसका 3 टाइम्स निकालना है, 60 का 3 टाइम्स 180, 7 का 3 टाइम्स 21, 180 प्लस 21 201, 0.5 का 3 टाइम्स 1.5 202.50 आएगा, 202.50 आएगा, राउंड ऑफ करके वो आ गया आपका राइट 203। नेक्स्ट कितना बचेगा, कितना बचेगा 656548, एंड इवन दिस इज डिक्रीज इन लाइबिलिटीज गेन, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज गेन बाय पीडीसी, न्यू पीडीसी चाहिए तो न्यू पीडीसी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, टू हंड्रेड एंड थ्री। आगे नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट, लेस डेप्रिसिएशन, $20,000 पे 10%, 2000 18,000 बचेगा, या नेक्स्ट नेक्स्ट फर्नीचर पे भी 10%, 5,500 का 10% 550 आएगा, या एंड 4950 बचेगा, सो टोटल डिप्रेशन हो गया 2550, टू डिप्रेशन। डिप्रेशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 5,000 समथिंग, कितना था 2,000 था, 2,000 एंड फर्नीचर पे 550, 550 टोटल डेप्रिसिएशन 2,550। ठीक है,
या नाउ ट्रेडिंग क्रेडिट इज 28,292 क्रेडिट टोटल इनकम टोटल इज 28,975। मैंने इनकम टोटल को एक्सपेंस टोटल पे लिख दिया एंड देन इनकम टोटल माइनस एक्सपेंस टोटल मुझे प्रॉफिट पता चलेगा। इनकम टोटल माइनस एक्सपेंस टोटल टू ग्रॉस प्रॉफिट। थ्री फोर सेवन फाइव 3,475 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इधर। यस देखो मैंने लिंक दे के रखी है ठीक है 3,475। नाउ मुझे लगता है एक्सपेंस शुड बी मोर। ग्रॉस प्रॉफिट कुछ तो 3,500 के आसपास है। ये टोटल मिला के 5,000 भी नहीं होगा। पर आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। सो मैं जनरली एक्सपेंस की पहले टोटल लेता हूँ देखता हूँ एक्सपेंस की टोटल। सेवन थाउजेंड के आसपास एक्सपेंस आ रहे हैं। सेवन थाउजेंड के आसपास एक्सपेंस आ रहे हैं राइट अंडरस्टैंड ठीक है। और इन हमारी इनकम की टोटल कुछ तो 5,000 के आसपास ही रहेगी। तो यहाँ पे नेट लॉस है। नेट लॉस एक्सपेंस टोटल इज मोर ट्रांसफर टू कैपिटल। सो एक्सपेंस टोटल इज 7,319। मैंने इनकम टोटल पे लिख दिया वो देन एक्सपेंस टोटल 7,319 माइनस माइनस इनकम टोटल। आपको पता है आप लेजर कैसे बैलेंस करते हैं। 2,942 इज ए 2,942 इज ए ग्रॉस नेट लॉस। 2,942 इज ए नेट लॉस। वहां लॉसेस डिक्रीजेस द कैपिटल तो कैपिटल को डेबिट करना होगा। वहां पे क्रेडिट है पीएनएल में क्रेडिट है दिख रहा है क्या। पीएनएल में क्रेडिट है पीएनएल में क्रेडिट है वो बराबर ना। तो यहाँ पे डेबिट होगा टू नेट लॉस। नेट लॉस कैपिटल से माइनस होगा इन शॉर्ट 2,942। अब हमें कैपिटल ढूंढना होगा। 50,000 क्रेडिट 50,000 क्रेडिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस ड्रॉइंग्स माइनस लॉस। सो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अपडेट करना होगा मेरा। गलत किया मैंने। 50,000 माइनस डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल मेरा 45,183 का कैपिटल बचेगा। नाउ योर फाइनल अकाउंट टोटल 51,731 51,731 पहली बार। ग्रॉस प्रॉफिट चेक करो उनका और हमारा करेक्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट बोलो मुझे एवरीवन ग्रॉस प्रॉफिट चेक करो रे। यस क्या है वो 323 क्या है मैंने नहीं देखा। 323 क्या था चेक करो ग्रॉस प्रॉफिट और उनका और हमारा बराबर है क्या। कंफर्म करो पीछे उनका ग्रॉस प्रॉफिट 3,666। अच्छा क्यों उन्होंने पैकिंग चार्जेस देखो मैं यहां से पैकिंग चार्जेस निकालता हूं ध्यान देना। देखो एक सेकंड अब यहां पे मजा देखो। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 3,475। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 3,75। अगर मैं एक्सपेंस जीरो कर देता हूं मैं एक्सपेंस निकाल दूंगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट है अगर मैं एक्सपेंस निकाल प्रॉफिट है मैं इनकम ऐड करूंगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। किसी प्रॉफिट में मैं और इनकम ऐड करूंगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इनकम निकालूंगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। एक्सपेंस ऐड करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा एंड इन एक्सपेंस निकाल दूंगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। मैं इसको जीरो कर देता हूँ 3,650 उनके इतना आ गया। मतलब पैकिंग चार्जेस कहाँ पे जाना चाहिए पी एंड एल में। पैकिंग चार्जेस कहाँ पे जाने चाहिए पी एंड एल में। पैकिंग चार्जेस पीएनएल में जाने चाहिए।
इसलिए मैंने बोला उनका आंसर से हम डिसाइड करेंगे। आ गया 3650, नेट लॉस बराबर रहेगा, कुछ भी करो नेट लॉस सेम रहेगा। 2942 दिखा, और बैलेंस शीट भी टैली होगी, हो जाएगी 51,730। हमारा राउंड ऑफ हो इसके वजह से, राउंडिंग ऑफ की वजह से। तो लिख लेना कहाँ पे, पैकिंग चार्जेस टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल, लिख लेना पैकिंग चार्जेस टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल, समझा? पैकिंग चार्जेस टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल, किसी को डाउट यहां तक? एनीवन इज डाउट यहां तक? किसी का डाउट है क्या, बोलो। अच्छा, अब ध्यान देना आपको। अच्छा मुझे बोलो, कितने लोगों ने 12th के बुक्स परचेस किए, रेज द हैंड। अच्छा, परचेस नहीं किए दे शुड रेज द हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं किए। दोज़ हु हैव नॉट परचेस 12th बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बोलो 12th स्टैंडर्ड HSC के बुक्स। अच्छा, करण के पास नहीं है, भूमिका, मतलब तुम लोग पुणे के हो। अच्छा, मस्से मैम तू किधर से रहे, मस्से मैम तू किधर से? एक सेकंड। हाँ मैडम बोलो, अनम्यूट करो। पुणे से, कोई इशू नहीं, पुणे में मिल जाएंगे, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। श्रुतिका पुणे से, अजिंक्य तुझे गांव में मिलेंगे करे भाई, दर्शना मानसी, लेकिन आपको देखो आप क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, पहले तो बात समझ में आ रहा है कि आप लोगों को जो भी फाइनल अकाउंट्स अच्छे से समझा क्या, यस और नो? एक सेकंड, आई थिंक, अरे यस और नो कुछ तो लिखो। डिड यू गॉट, आपको फाइनल अकाउंट समझा क्या? ओके गुड, अच्छा। तेजस्वी बोल रही है बैंक लोन एंड इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट थोड़ा हार्ड जाते हैं। अब देखो, एक आधी एडजस्टमेंट डिफिकल्ट जाती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? हमें डर रहता है कि मुझे नहीं आएगा। देखो हमें याद रखना, हमें डर रहता है कि मुझे नहीं आएगा, तो उसलिए क्या करना, मैं तेजस्वी तुझे या सबके लिए मैं बोलूंगा एक चीज, क्वेश्चन उठाने के और खाली वही एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में देखने की, कुछ नहीं दूसरा देखने का, एक भी दूसरी एडजस्टमेंट नहीं देखने की, खाली क्या करने का, टेक्स्ट बुक लेने का और वो वाली एडजस्टमेंट ढूंढ के वही उसका आंसर कैसे निकाले वो समझ। तो ऐसे 10-12 करके हो जाएगा। देख, लोन क्रेडिट पे रहेगा, बैंक लोन क्रेडिट पे रहेगा, बराबर, ये लाइबिलिटी है, तो ऑब्वियसली अगर तूने लोन लिया है तो तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, दैट इज बाउंड टू हैपन। सो इफ देयर इज अ लोन ऑन ए क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, मींस यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट, दे मस्ट गिव यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी दे मस्ट गिव यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए रेट पता होना ही चाहिए, इफ देयर इज नो रेट यू कैन नॉट डू द एडजस्टमेंट। अगर रेट ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट
कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले तो है ट्रायल बैलेंस में लोन होना चाहिए क्रेडिट पे, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए या तो एडजस्टमेंट में या ट्रायल बैलेंस में ही, एंड अगर उन्हें डेट ऑफ लोन दिया है, डेट ऑफ लोन दिया है तो उस डेट से ईयर एंड तक ट्रायल बैलेंस की तारीख तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सपोज ट्रायल बैलेंस 31 मार्च में खत्म हो रहा है एंड उन्होंने डेट दी है 1 जुलाई, तो ऑब्वियसली जुलाई से मार्च 9 मंथ्स होते हैं, सो यू हैव बीन यूजिंग लोन फॉर 9 मंथ्स, तो तुझे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा एट ए गिवन रेट। अगर लोन 1 अक्टूबर को लिया या 30 सितंबर को लिया है तो 6 मंथ्स के लिए तुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, अगर 1 जनवरी को लोन लिया है तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। वो जो आएगा ना वो P&L का आउटर कॉलम रहेगा डेबिट पे, सो लोन क्रेडिट पे तो उसका इंटरेस्ट डेबिट पे रहेगा एक्सपेंस, तो वो P&L के डेबिट का आउटर कॉलम रहेगा, उतना इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर तूने 9 मंथ्स लोन यूज किया है तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट P&L में होना चाहिए, 6 मंथ्स यूज किया है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट P&L में होना चाहिए, अगर तूने 3 मंथ्स यूज किया है तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, बट वो होता नहीं, आपको ट्रायल बैलेंस में कम इंटरेस्ट दिखेगा, उतना होता नहीं, तो या 0 रहेगा या उससे कम रहेगा, तो हमें उतना ऐड करना होगा एंड उतना पेएबल होगा तो हम लाइबिलिटी में ऐड करेंगे। सर डेट रेट दिया है बट डेट नहीं दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है बट डेट ऑफ लोन नहीं दिया, मतलब वो पुराना वाला लोन है, चल रहा है, सालों साल चल रहा है, तो उस केस में यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स, जैसे हम कैपिटल के केस में करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा 12 मंथ्स का निकालते हैं, डेप्रिसिएशन डेट इज नॉट गिवन हम पूरे साल का निकालते हैं, वैसे लोन का इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है बट डेट इज नॉट गिवन, तो पूरे साल का निकालेंगे हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड कंपेयर, अगर लोन क्रेडिट पे तो उसका इंटरेस्ट डेबिट पे होना चाहिए, नहीं है तो लेके आ जा, नहीं है तो लेके आ जा, इन्वेस्टमेंट डेबिट पे तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट पे होना चाहिए, नहीं है तो लेके आ जा, एज सिंपल एज दैट, और तुझे इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, तुझे इस पे काम करना पड़ेगा, डिफिकल्ट नहीं है, एक मैं सिंपल बोलता हूं, जब कभी भी ऐसे होता है कि कोई एडजस्टमेंट डिफिकल्ट लगती है तो वही एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में चेक करने की, अपने आप समझ में आता है। आगे नेक्स्ट, अच्छा मानसिक पूछ रही है कि उसने फाउंडेशन के कोई क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन दे हैव आस्क्ड टू पास द एंट्रीज, डू हैव टू एंट्रीज फाउंडेशन में पास करनी है, 12th में एंट्री, 11th 12th में एंट्री नहीं पास करनी है, बट तुझे एंट्री कैसे के ये समझा गया, वो लोग एंट्री कैसे करते, ध्यान देना, अभी यहां पे देखो ध्यान देना, एंट्री मतलब क्या, इधर ध्यान देना, फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री ये एंट्री अकाउंट है ना, ये डेबिट है, दिस इज डेबिट साइड, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ध्यान देना क्या एंट्री आ गई, फर्स्ट एंट्री आ गई, ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू ओपनिंग स्टॉक 8,000, टू परचेसेस 15,750, टू प्रोडक्टिव वेजेस 1,000, टू ट्रेड एक्सपेंस 325, टू फ्यूअल एंड कोल 250, ट्रेडिंग डेबिट की एंट्री आ गई, ट्रेडिंग क्रेडिट की एंट्री, बाय सेल्स लिखा है मतलब सेल्स डेबिट है, जिसके सामने बाय वो डेबिट है, सेल्स अकाउंट डेबिट 21,875, टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 7,100 टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो फिर ये तुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट क्रेडिट, एंट्रीज एंट्रीज फाउंडेशन में भी नहीं पूछते, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स, ठीक है आगे, बट अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, अकाउंट है उसकी इंटरेस्ट लिखने का भी दे वोंट आस्क यू इन 11th and 12th, अच्छा और किसे के है तो पूछो, बी फ्री टू आस्क द डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आधी चीज नहीं समझे आई विल गिव यू सोल्यूशन, मतलब मैं आपको समझाऊंगा, सो तेजस्वी यू हैव टू डू वन थिंग, यू नीड 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स मैक्सिमम बोल रहा, बहुत हो गया ये एडजस्टमेंट, 10 मिनट का काम है, बट तुझे सॉल्व इलस्ट्रेशंस प्लस हमने जो अनसॉल्व किए है, सॉल्व प्लस अनसॉल्व, हमने ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स किए, मतलब मिनिमम 30 सम्स हमने किए, ठीक है हमने ऑलमोस्ट 30 सम्स किए, तो तू उसमें से 10 सम में तो रहेगा, तो 10 सम को तू ऑब्जर्व कर, तुझे पता चल जाएगा। आगे
बट इंट्रीज विल बी आस्किंग फाउंडेशन, जनरली दे डोंट आस्क, वो जस्ट आपको समझने के लिए, दे आस्क यू टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स एंड नॉट द इंट्रीज। आगे, अच्छा और किसी का? ओके लेट मी चेक, और कुछ है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैड डेट्स, आरडीडी, पीडीडी, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स हर क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हर क्वेश्चन में मिलेगा, राइट। उसके बाद डेप्रिसिएशन हर क्वेश्चन में मिलेगा, आरडीडी, बैड डेट्स वगैरह हर क्वेश्चन में मिलेगा, ये कॉमन एडजस्टमेंट है, इसके सिवा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट तो रहेंगे रहेंगे, मतलब आप जितना सॉल्व करोगे ना अपने आप एडजस्टमेंट याद रहते हैं। अगर एडजस्टमेंट याद नहीं रहते तो इंट्री तो पता होती है, हमें इंट्री पता होती है, डेप्रिसिएशन की इंट्री क्या, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन डेबिट है उसको पी एंड डेबिट में जाएगा बाद में, लॉस है इसलिए, एंड फिक्स एसेट को क्रेडिट कर रहे हो मतलब माइनस कर रहे हो। तो इफ यू थिंक हमने क्या किया, वी ट्रांसफर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स टू पी एंड एल, we transferred all nominal account to P&L, P&L ने हमें trading and P&L में, P&L ने हमें gross profit and net profit या net loss दिया, जो हमने capital में transfer किया, and ये हमारी closing balance sheet हो गई, ये हमारी closing balance sheet हो गई, so ये accounts plant and machinery 18,000 पे next year में carry forward होगा, furniture 4950 पे next year में ये होगा, इसकी opening entry लिखना है, everyone opening entry, ओपनिंग एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग एंट्री इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 18,000, ठीक है, नहीं फर्नीचर अकाउंट लिखो, लिखो कुछ नहीं होता, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट है, नेक्स्ट ईयर में कौन सी एंट्री आएगी, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट से एंट्री आएगी, इन्वेंटरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4950, फिर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, ये नेक्स्ट ईयर की एंट्री है, तो हम बैलेंस शीट में जो आइटम्स आते हैं वो नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, ठीक है। देन डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स में कितना लेना चाहिए, कोई मुझे बोलेगा क्या टाइप, अब भी मुझे पता चलेगा डेटर्स में कितना लेना चाहिए, आपको सच्ची में समझा नहीं, समझा बच्चों को ये एंड तक नहीं समझता, डेटर्स में कितना बैलेंस होगा, डेटर्स अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, ओके यस दुर्गा, दुर्गा मानसी, एक मिनट, मुझे लगता है इन लोगों का करेक्ट आंसर है मानसी, ठीक है, दुर्गा, यश, यस इन लोगों ने, पराग, गुड, मुझे लगता है इन लोगों का करेक्ट आंसर है, डेटर्स अकाउंट में बैड डेट्स माइनस करने के बाद का रहेगा, डेटर्स में है 9915, क्योंकि ये डेटर्स अकाउंट नहीं होते, ये आरडीडी अकाउंट होता है और ये पीडीडी अकाउंट होता है जो नेक्स्ट ईयर में आएगा, डेटर्स इज 9915, ये अलग अकाउंट है, हम डेटर्स से माइनस करके दिखाते हैं, सो डेटर्स इज, तुम वही मैं बोल रहा हूँ, इतना होने के बाद भी आपने बोला कि डेटर्स 9921 है, ये गलत है, ये ब्लंडर है, एंड दिस शोज इलिटरेसी, आपको टैली करना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट आपको डेटर्स का बैलेंस नहीं बोलने आ रहा है, डेटर्स इज दिस, डेटर्स ये है, बैड डेट्स माइनस होने के बाद डेटर्स में डेबिट बैलेंस इतना होगा, इनकी एंट्री पी एंड एल टू आरडीडी है, इसकी एंट्री पी एंड एल टू पीडीडी है, इसमें डेटर्स अकाउंट नहीं आता, प्रेजेंटेशन के लिए हम इनको माइनस करके दिखाते हैं, एक्चुअली डेटर्स से माइनस नहीं होता, सो डेटर्स में बैलेंस है 9915, डेटर्स में बैलेंस है 9915, इनमें थोड़ा दो तीन लाइन रख देता हूँ, टू आरडीडी, आरडीडी में क्रेडिट बैलेंस है, आरडीडी में क्रेडिट बैलेंस है,
आरडीडी में क्रेडिट बैलेंस है 496, इसलिए नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में डेटर अलग रहेगा, आरडीडी अलग रहेगा, डेटर अलग रहेगा, आरडीडी अलग रहेगा, नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी रहेगा 496 क्रेडिट पे, जिसको उस ईयर के पेनल के क्रेडिट पे डाला जाएगा। टू, मुझे अच्छा लगा कोई तीन चार लोगों ने तो बराबर दिया, क्योंकि अगर किसने भी बराबर नहीं दिया तो मुझे बहुत बुरा लगता कि यार इतना सिखाने के बाद भी ये लोग नहीं समझ में आ रहा है उनको। 188, ठीक है, ये दोनों अकाउंट नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आएंगे, क्रेडिट पे आएंगे, और उनको हम पीएनएल के क्रेडिट पे डाल देंगे। सो अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी और पीडीडी है तो क्रेडिट ही रहेंगे और उनको हम पीएनएल के क्रेडिट पे डालेंगे, क्योंकि इस ईयर में हमने उनको डेबिट किया है, इस ईयर में हमने ये प्रोविजंस क्रिएट किए, हमने ये दोनों प्रोविजंस क्रिएट किए, एंट्री इनकी पीएनएल टू प्रोविजन, इसमें डेटर अकाउंट आया नहीं, डेटर अकाउंट डिक्रीज हुआ ही नहीं, प्रेजेंटेशन के लिए माइनस कर रहे हो, एक्चुअल में माइनस नहीं हो रहा है। सो ये नेक्स्ट ईयर में ये दोनों आइटम्स कैंसिल हो जाएंगे, हम पीएनएल के क्रेडिट पे डाल देंगे, ओल्ड आरडीडी और ओल्ड पीडीडी बोल के। देन गुड, देन कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना 2200, देन क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक इन द नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग स्टॉक, इसलिए ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आता है, क्योंकि हमने इस ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की है, हमने इस ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की है उसको ही हम नेक्स्ट ईयर में क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में आएगा, जिसको हम ट्रेडिंग के डेबिट पे डालेंगे, हम इसको ट्रेडिंग के डेबिट पे डालेंगे, हम इसको ट्रेडिंग के डेबिट पे डालेंगे, राइट, अंडरस्टैंड, हम इसको ट्रेडिंग के डेबिट पे डाल देंगे, इसको डेबिट रिमेंस डेबिट। अच्छा, फिर लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स है, मुझे बोलो एक सेकंड, क्रेडिटर्स में कितना बैलेंस होगा, टू क्रेडिटर्स में कितना लिखो, अगर आपको आरडीपीडी का लॉजिक समझा है तो आप लोग मुझे इसका भी लॉजिक बता सकते हो, ऐसे मुझे लगता है। क्रेडिटर्स में कितना रहेगा, 6750 रहेगा, परफेक्ट। अरे ये प्रोविजन माइनस करके दिखा रहे हो, प्रोविजन माइनस करके दिखा रहे हो, एक्चुअली क्रेडिटर से माइनस दिखा रहे हो, लेकिन क्रेडिटर्स में बैलेंस 6750 है, परफेक्ट, गुड। तो यहां पे आएगा टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना 46750, एंड फिर मुझे बोले पीडीसी को बैलेंस कौन सा रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, व्हाट यू फील, इस पीडीसी को बैलेंस कौन सा रहेगा, लॉजिकली सोचो, डेबिट रहेगा, क्योंकि हमने लाइबिलिटी से माइनस किया है, मतलब वो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है डेबिट क्यों होगा, क्योंकि हमने पीएनएल में क्रेडिट किया है, पीएनएल को क्रेडिट है, मतलब पीडीसी को डेबिट है, वो डेबिट हम क्रेडिट से माइनस दिखा रहे, ठीक है, आगे। इसलिए अगर नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस की कोई बात करता है, अगर नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस की कोई बात करता है तो नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे, नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे 203 का पीडीसी रहेगा, नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे 203 का पीडीसी रहेगा, जो पीएनएल के डेबिट पे डाला जाएगा, उसको ओल्ड पीडीसी बोल के डेबिट पे डाला जाएगा, जैसे आरडीडी पीडीडी के साथ होता है वैसे पीडी के साथ भी होता है पीडीसी, नेक्स्ट ईयर में डेबिट पे दिखेगा, नेक्स्ट ईयर में डेबिट पे दिखेगा, उसको कैंसिल करना होगा, डेबिट को डेबिट पे डाल दो। इस ईयर में हमने पीएनएल को क्रेडिट किया, देखो इस ईयर में हमने पीएनएल को क्रेडिट किया, तो नेक्स्ट ईयर में वो डेबिट हो जाएगा, और इन दोनों को आरडीडी और पीडीडी को डेबिट किया, नेक्स्ट ईयर में वो क्रेडिट हो जाएंगे पीएनएल में। आगे नेक्स्ट, ऐसे कंपैरेटिवली स्टडी करोगे तो जल्दी समझ में आता है। आगे क्रेडिटर्स हो गए, गुड, लेट मी कंप्लीट दैट, एक सेकंड, आगे टू आई थिंक कैपिटल है, टू कैपिटल, देखो टैली हो रहा है क्या, होना ही चाहिए, डेबिट टोटल शुड बी इक्वल टू क्रेडिट टोटल,
और अब अगर आपको ये लगता है कि डेटर्स में 9231 बैलेंस है तो आप ये ढूंढ सकते हो, बट आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आपको 15 के 15 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे तो आपको 0 मिलेंगे। इसलिए जिसको आउट ऑफ मार्क्स आते हैं उसको एक्चुअल में चीजें समझती होगी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर कोई मुझे बोलता है कि सर मुझे 90+ मार्क्स है अकाउंट्स में, मुझे 100/100 मार्क्स है, और कोई बोलता है 70 मार्क्स है, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मे बी ऐसे हो सकता है 70 वाले को प्रैक्टिकली अच्छे से पता होगा देन द 90 वाले से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? आगे लिखो, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा हूं ध्यान देना एवरीवन, ठीक है? हाँ, किसी का क्वेश्चन था, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन, एक सेकंड। क्या क्वेश्चन था, एक मिनट, किसी ने तो पूछा था सर व्हाट इज मीन बाय ट्रेड इन इन्वेंटरीज, नहीं समझा ट्रेड इन इन्वेंटरीज मतलब, किधर देखा तूने मानसिंह, किधर देखा ट्रेड इन इन्वेंटरीज, किधर देखा ट्रेडिंग इन्वेंटरीज नहीं रहेगा, कुछ तो अलग रहेगा, ट्रेडिंग इन्वेंटरीज नहीं, कुछ तो वर्ड अलग रहेगा, ठीक है? देखेंगे, तू मुझे बाद में भेज दे, मैं बोल देता हूं। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम गिविंग यू ऑफ फॉर सम डेज, क्योंकि मेरा 11 का पूरा खत्म हो गया और 12 का फर्स्ट चैप्टर के सब एडजस्टमेंट्स मेरे हो चुके हैं, सब एडजस्टमेंट्स मैंने किए। अगर आप यहां पे देखते हो, आपके संडे को टेस्ट है, इस संडे को भी है, नेक्स्ट संडे को भी टेस्ट है, इवन दो आई एम गिविंग यू ऑफ, ठीक है? मैं आपको ऑफ देने वाला हूं, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th जून या 15 जून एज द केस में भी, समर वैकेशन बोल के, बिकॉज जो बच्चे 11 से देनो कि उनको बीच में छुट्टी नहीं मिली, लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया है, हम कॉन्जिक्यूटिवली लेक्चर्स ले रहे हैं, और मुझे इतना कवर करना था, सो 10 दिन की तो मिनिमम छुट्टी रहेगी। आप 11 को भी स्टार्ट कर सकते हो या 15 को भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी नोट्स वगैरह सब अब इशू करने, तो नेक्स्ट वीक में मैं पूरा पैक रहूंगा, क्योंकि मुझे फिजिकली जाना होगा, डिस्पैच वगैरह सब देखना पड़ेगा, सो उसमें भी मेरा पूरा टाइम जाने वाला है, क्योंकि मुझे नवीपेट प्लस हमारा कैंप प्लस प्रेस्टीज पॉइंट तीनों का देखना है, एंड आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो क्या बोलते हैं उसको, तो मुझे वो सब चीजें करनी होगी, क्योंकि मंडे से ये भी हो रहा है, प्रेस भी ओपन हो रही है मंडे से, तो उसके पीछे मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बच्चों को नोट्स नहीं मिलेंगे, तो उसके पहले ये सब चीजें मुझे करनी है, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है कुछ दिन के लिए, वो टाइम दे रहे हैं चीजें करने के लिए, तो उसके पीरियड में हम करेंगे। इवन यू विल बी हैविंग ऑफ फॉर द मैथ्स, 10 एक दिन का ऑफ रहेगा, 10th जून से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 11 जून या 15 जून एज द केस में भी। अब कॉलेज कब स्टार्ट हो रहे हैं खाली फाइनली मुझे बोल देना, ठीक है? दूसरी बात, यू हैव टेस्ट ऑन दिस संडे एज वेल एज ऑन द नेक्स्ट संडे ऑन द फाइनल अकाउंट्स, ऑन द फाइनल अकाउंट्स, मतलब भले आपको छुट्टी होगी, मैं आपको बोलता हूँ ड्यूरिंग दिस 10 डेज आपको करना क्या है, जिनको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, जिनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, इंट्रीज वगैरह क्लियर नहीं है, यू कैन गो ऑन माय यूट्यूब चैनल, वहां पे जाके आपको 11 के अकाउंट्स के लेक्चर मिलेंगे, यू कैन गो एंड वॉच, आपको जो देखना है, लाइक आप खाली बेसिक वाले देखो, जर्नल इंट्रीज वाले एंड लेजर वाले, सब्सिडरी बुक्स नहीं देखा तो चलेगा, BRS नहीं देखा तो चलेगा, डिप्रेशन नहीं देखा तो चलेगा, इन फाइनल अकाउंट्स देखो अगर आपको करना है, ठीक है? जिनको बहुत अच्छे से हुआ है, राइट, उन लोगों ने इस पे और जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो करो। यू आर 10 डेज टू अरेंज द बुक्स, आपको बुक्स अरेंज करने के लिए भी 10 डेज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10 डेज यूर लाइक आप बुक्स ले सकते हो, तो जब हम 12 स्टार्ट करेंगे
आपके पास, बिकॉज इको भी स्टार्ट होने वाला है, ओसी भी स्टार्ट होने वाला है जून में. सो जब हम स्टार्ट करेंगे, यू शुड बी हैविंग बुक्स, महाराष्ट्र बोर्ड के बुक्स होनी चाहिए. बिकॉज आपके पास बुक्स रहते तो मेरे लिए इजी होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारा स्पीड भी अच्छे से मेंटेन होता है. ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि बुक्स ले लो. अगर मैं आपको ये भी बोलता हूँ, 1 तारीख तक अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, 1-2 तारीख तक, कि एग्जिस्टिंग 12 के बच्चों का क्या होने वाला है. अगर उनके एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो अगर आपके कोई पहचान में उनसे बुक्स ले सकते हो, उनके बुक्स चल जाएंगे बिकॉज वो नई बुक्स है, ठीक है. तो वो बुक्स आप यूज करो. अगर आपके कोई फ्रेंड्स है वगैरह तो वो 1-2-3 तारीख तक वो फाइनल भी हो जाएगा. गवर्नमेंट वो फाइनल करेगा, उनको करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. तो वो उनको नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते तो किसी भी गवर्नमेंट को कोई लेन देन नहीं. सो दे विल कम अप विद एन अनाउंसमेंट बाय द 1st of June, 1st or 2nd June. तो अगर सपोज एग्जाम्पल कोई भिगवन साइड से, बाहर से, ठीक है, कोई बीड साइड से, तो उस केस में करो क्या, मैं आपको बोलता हूँ कि वहां पे आपके सीनियर्स कोई तो पहचान में रहेगा आपके गाँव में या आपके आजू बाजू में, ठीक है, उनसे आप बुक्स बोरो करो. उनको बोलना चाहिए तो मैं बाद में देख रहा हूँ जब मुझे बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है. अकाउंट्स का मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि अगर आप नया ले सकते हो तो इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज उसमें आपको लिखना पड़ता है, तो आपके नोटिंग्स रहेंगे, उसने पहले कुछ तो लिखा होगा, उससे बेटर आपका रहेगा. बट फॉर द टाइम बीइंग मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप नए नहीं ले सकते, आप पुराने, लेकिन बहुत पुराने वाले मत लेना, अभी जिन्होंने 12th में थे उनसे लेना, बिकॉज उनके टाइम नए बुक्स आए. उनके पहले वाले मत लेना, बिकॉज सिलेबस हैज अंडरगॉन द चेंज, ठीक है. नहीं, दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो योर 10 days टू अरेंज द बुक्स. सब बुक्स अरेंज करने ही है. सर हमने नवनीत लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या हमने रिलायबल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, टू बी वेरी फ्रेंक, जैसे मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कवर किए, मैंने कोई होमवर्क दिए, वैसे मैं 12th में भी करता हूँ कि आई कवर ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड सिंपल क्वेश्चंस आई गिव फॉर द होमवर्क. तो मुझे नहीं लगता कि नवनीत की स्पेसिफिकली आपको जरूरत पड़ेगी, बट इवन इफ यू वॉन्ट टू बाय, मैं आपको नहीं नहीं बोलूंगा, इट्स योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे. परचेस करना है ऐसे नहीं है, ठीक है. देन आई थिंक आई ऑल्सो हैव द नवनीत का सॉफ्ट कॉपी, मुझे चेक करने दो, अगर रहेगा तो मैं आपको ग्रुप पे भी भेज दूंगा. नवनीत का सॉफ्ट कॉपी शायद से लास्ट ईयर में आया था, क्योंकि ऑफलाइन सब लॉकडाउन था, तो दे हैव रिलीज द आई थिंक सॉफ्ट कॉपी. मैं एक बार चेक करता हूँ, अगर रहेगा तो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. देखो छोटी छोटी चीजें, एंड यूज दिस 10 days फॉर यूर सेल्फ. अगर आपको लगता है आप कहाँ पे अकाउंट्स में कम पड़ रहे हो तो वो चीजें ही करो. दिस 10 days यू विल नेवर गेट इन योर फ्यूचर. आपको इसके, हम जब 11 June या 15 June को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको छुट्टी नहीं है. फाउंडेशन विल कंटिन्यू, जिनका फाउंडेशन यूनिवर्स चल रहा है वो चलेगा, उसमें हम ब्रेक नहीं लेने वाले. बट 12 के लिए जो टाइम मिल रहा है ना, ये और नंबर ऑफ आवर्स विल इंक्रीज. इको स्टार्ट होगा, ओसी स्टार्ट होगा, इवन आई विल बी टेकिंग फॉर 1 hour 15 to 30 minutes, तो मैं भी मेरा टाइम इंक्रीज कर दूंगा. मैथ्स का टाइम इंक्रीज होगा, स्टैट स्टार्ट होगा, M1 M2 स्टार्ट होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो टाइमिंग इंक्रीज होगा, इतना फ्री टाइम, मतलब सर हमें बाद में टाइम नहीं मिलेगा इसलिए हम टाइम पास कर लेंगे. अगर आप अच्छे हो अकाउंट्स में, आपको लगता है कि यू आर एट ए गुड प्लेस, तो आप रिलैक्स रह सकते हो. बट दैट इज नॉट ए चॉइस, इट्स योर चॉइस, आपको करना है या नहीं करना है. अगर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा, ये 10 दिन ऐसे यूज करो कि जो आपका मिस हुआ है, जो आप पीछे हो बाकी लोगों से, यूज दैट फॉर यूर इम्प्रूवमेंट. अनदर माई रिक्वेस्ट टू यू, अगर पॉसिबल है, अगर आपके फ्रेंड्स है कॉलेज में वो आर लुकिंग फॉर द क्लासेज, यू कैन ऑब्वियसली सजेस्ट देम. आप बोल सकते हो उनको, बिकॉज क्या बोलते हैं, जो भी रहेगा, राइट, दे हैव टू कोप अप टू सम एक्सटेंट, दे हैव टू कोप अप, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी उनको 11 कब नहीं सिखाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एज वेल. बट स्टिल द वे आई टीच, मैं सिखाता ही ऐसे हो कि सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि आपको समझे उस क्वेश्चन का मीनिंग, समझे क्या पूछा है वो समझे. अगर आपके फ्रेंड्स से, यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड देम, आप उनको बोल सकते हो. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन कि फाउंडेशन चल रहा है अपना, 12 चल रहा है, आप अगर आपको ठीक लगा तो रिकमेंड करो, अदरवाइज रिकमेंड करने में कोई पॉइंट नहीं. मतलब ये हमेशा होता है कि अगर मुझे अच्छी मूवी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा, या मुझे कोई होटल अच्छा लगता है तो हम रिकमेंड करते हैं.
राइट ना। तो ऑन सिमिलर बेसिस आप रिकमेंड तभी करना चाहिए जब आपको चीजें ठीक लगी होगी। जिनका 11 का मैंने पहले ही बोला था इकोनॉमिक्स के फीस जिन्होंने पेड की थी, वी विल बी ट्रांसफरिंग दैट टू द 12th इकोनॉमिक्स, तो उनको अलग से कोई फीस नहीं देनी है, 12th के इकोनॉमिक कवर होगा। लास्ट ईयर वॉज वेरी हेक्टिक फॉर मी एज वेल, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई। क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन का पीरियड एक्सटेंड हुआ, पेपर्स आगे गए, तो अगर एक मंथ भी आगे जाता है तो हमें तब तक लेना होता है, बिकॉज हमारी कमिटमेंट तब तक रहती है। मेरा ऐसे नहीं रहता कि हो गया मतलब छोड़ दो, जब तक खत्म नहीं होता या जब तक उनकी एग्जाम नहीं होती तब तक मैं लेता हूँ उनका रिविजन वगैरह ये सब चीजें। सो लास्ट ईयर वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, डिफिकल्ट मतलब चैलेंजिंग फॉर अस, डिफिकल्ट नॉट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, राइट। फाउंडेशन में वी आर गोइंग गुड, तुम्हारी इसमें जितने बच्चे उतने आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज कंसिडरिंग एवरीथिंग। बट जो नवंबर के, नवंबर में वी आर टीचिंग ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स राइट नाउ, नवंबर कैंप में, नवंबर 21 के बैच के लिए। सो मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आने, बट क्या होता है कि तुम लोगों को हम जानते हैं, सो तुम्हारे बैच वालों को अगर पॉसिबल है तो यू कैन टेल देम कि 15 से सपोज या बैच स्टार्ट होने वाली है तो यू कैन ज्वाइन, आपके फ्रेंड्स बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर इट। दूसरी, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपको करना है नहीं करना है आपकी चॉइस है, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। देन अपना मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा, मैथमेटिक्स विल बी टेकन बाय मयूरी मैडम, एंड स्टैटिस्टिक्स हम 12th में स्टैटिस्टिक्स के लिए, 12th एंड फाउंडेशन के स्टैटिस्टिक्स के लिए सीए नीरज महाजन बोल के सर है वो लेते हैं। सो मैडम कुछ चैप्टर्स लेती है स्टैटिस्टिक्स के, वो फाउंडेशन में जैसे है, फाउंडेशन में जैसे है वैसे वो 12th में करते हैं, मतलब वो सेम टीचर है ऐसे। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ बीएमसीसी, मेरे सीनियर है। व्हेन आई वाज इन 11th ही वाज आई थिंक इन एसवाई और टीवाई, ठीक है। तो वो फाउंडेशन पे हमारे स्टैटिस्टिक्स इन डिटेल लेते हैं, तो उसके रिलेटेड जो 12th के चैप्टर्स है वही लेते हैं, 12th में हम ऐसे करते हैं क्योंकि वो 12th का मैक्सिमम फाउंडेशन में, इसलिए तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे आपको जून के बाद, क्योंकि अभी मैडम ले रहे थे मैथ्स, तो दोनों उनके लेक्चर्स, उनके भी दोनों के लेक्चर्स रहेंगे आपके लिए फॉर इन्फॉर्मेशन, मेरे लेक्चर्स इंक्रीज होंगे, तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास टाइम है कि अगर आप कहाँ पे पीछे हो, कोई एरियाज में आप बैकवर्ड हो, तो ये टाइम है आपको खुद को वहां पे लाने के लिए एट पार विद द अदर्स। 10 दिन आपके लाइफ चेंजिंग रह सकते अगर इफ यू यूज इट। इसके बाद दिवाली में यू वोंट गेट मोर देन 5 डेज हॉलीडे, वो वीक छोड़ के आपको छुट्टी नहीं मिलती, देर इज नो क्रिसमस वगैरह कुछ नहीं, वो बाकी कोई छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। आपके फाउंडेशन कंटिन्यू रहेगा बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। या और कुछ मुझे कुछ बोलना था क्या, लेट मी थिंक। या सर ये क्वेश्चन फिर से करने की जरूरत है क्या, आप नए क्वेश्चन ट्राई करो ना, ये क्वेश्चन आपने किए है, नए क्वेश्चन ट्राई करो। आप, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, फाउंडेशन का बुक देखो उसमें से करो, अगर आपको कम क्वेश्चंस पढ़ रहे तो आप नवनीत वगैरह किधर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कितने सारे क्वेश्चंस आपको दिए, अगर आप वो आपके सब टैली होते तो मुझे शेयर करो, मेरे पास भी उसके आंसर्स हो जाएंगे, बिकॉज पहले हम बोर्ड्स पे सॉल्व करते थे, ऐसे सेव वगैरह नहीं होता था हमारे पास, तो भी मैंने क्लासेस में सॉल्व किया था, बट अब उन बच्चों के पास नोटबुक भी नहीं रहेंगे और उनसे मांगो भी कैसे, बिकॉज अभी तो लॉकडाउन सब चल रहा है। तो अगर किसी ने पूरे सॉल्व किए होंगे, उनका टैली हुआ होगा, शेयर द आंसर्स, ठीक से स्कैन करके मेरे पास शेयर करो, तो मेरे पास भी एक आंसर सेट बन जाएगा कि हाँ इनके आंसर ये है। सो मैं कभी होमवर्क में दूंगा तो मेरे पास वो आंसर्स रहेंगे कि आप चेक कर सकते हो बोल के, ठीक है। सो इस ढंग से देखो, इतने बुरे दिन में भी जो 11 से बच्चे हैं, इतने चैलेंजिंग डेज में भी हमने अच्छे से किया। और आपने देखा होगा कि जब तक आपको समझता नहीं, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, तब तक हमने आपको छोड़ा नहीं। सेम विथ मी, सेम विथ द मयूरी मैम, एंड सेम विल हैपन विद द नीरज सर, बिकॉज वो तो और अलग मतलब बहुत बेसिक से लेते हैं। सो ये जो चीजें हैं, यू विल ऑल्सो फाइंड अभिषेक सर इन द लॉ फाउंडेशन में, तो ये सब जो चीजें होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट बेस्ट प्रोवाइडेड आप करोगे तो। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कोई भी आए, आप किधर भी क्लासेस करो, कुछ भी करो, कुछ फायदा नहीं होगा। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं हम लोग तो कैंप में, और एक आपके साथ दो स्टेप्स और भी आगे आते हैं, खाली रास्ता नहीं दिखाते, हम आपके साथ ट्रैवल भी करते हैं।
बट डेस्टिनेशन तो आपको ही रुकना है, वी कैन नॉट स्टे एट अ डेस्टिनेशन, या आपको जो जर्नी है उसमें आप वी कैन अकंपनी यू, बट आपको आगे चलना है, आपको दौड़ना पड़ेगा बाद में, बिकॉज वो जर्नी हमने कंप्लीट की है. व्हेन आई वाज स्टूडेंट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैं आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट मी, बिकॉज मैं बाहर से आया, पुणे में आया हूँ, नगर से आया हूँ, हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पुणे में मेरा टाइम पास के लिए नहीं आया था. ऐसा नहीं कि मैंने टाइम पास नहीं किया, मैंने पूरा 11th एंड 12th BMCC से मैं क्रिकेट खेलने में लगाया है, पूरा 11th एंड 12th. कॉलेज के टाइम में मैं ग्राउंड पे रहता था, पूरा झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे किसी भी दोस्त को पूछो. लेकिन जो भी मैंने क्लासेस लगाए थे मैंने वो सिंसियरली किए, उनके होमवर्क मैंने सिंसियरली किए. मेरा पूरा 11th एंड 12th क्रिकेट खेलने में गया BMCC के ग्राउंड पे, पूरा 11 बजे से जनरली क्लासेस खत्म होते थे, 11:30 को आते थे, तो इवनिंग के 4-5 बजे तक कॉलेज में क्रिकेट ही खेलते थे. मतलब ऐसे नहीं कि टाइम पास नहीं किया, बट बाकी टाइम हम पढ़ाई करते थे. सो जब और एंड में जब लाइक एग्जांपल जब पेपर्स आने लगे तो सब बंद कर दिया फिर, बट ऐसे नहीं कि तभी पढ़ाई की. जो भी क्लासेस में सिखाया जाता था, होमवर्क इनकम्प्लीट मेरा कभी भी नहीं रहा होगा. होमवर्क मुझे जो भी दिया मैंने हमेशा कम्प्लीट किया, वेदर टीचर ने चेक किया नहीं किया वो फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, मैंने किया मुझे मेरा सेटिस्फेक्शन. कभी कभी अब पॉसिबल नहीं होता कि हर एक का होमवर्क चेक करे, यू हैव टू बी सिंसियर, यू आर एट ए लाइक प्रोफेशनल स्टेज ऑफ योर करियर, आप बड़े हो चुके, आप छोटे बच्चे नहीं है, तो उतना आपको भी समझ में आना चाहिए, खुद होके करना चाहिए कोई चीजें, कोई डाउट्स है तो खुद होके पूछने चाहिए. इफ यू डोंट इंटरेक्ट विद योर फैकल्टीज इट इज योर लॉस, इट इज योर लॉस. हमारा क्या लॉस है, जो देयर आर स्टूडेंट जो इंटरेक्ट करते हैं, जो नहीं करते वो उनका लॉस है. वो सिंपल चीज है, इफ यू कैनॉट अटेंड द लेक्चर इन टाइम, 7:30 या 7:40 को हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, तो अगर आप नहीं कर सकते टाइम में, उठ नहीं सकते, तो इट्स यूर लॉस. अगर 7:30 को आप उठ नहीं सकते तो इसमें आपका लॉस है 7:30 तक. और जनरली जब भी क्लास, इट्स टाइम टू थिंक, आप करेक्ट कर रहे हो रॉन्ग कर रहे हो, 10 दिन आपको सोचने के लिए कि जो भी आप आज तक कर रहे थे वो करेक्ट कर रहे थे या रॉन्ग कर रहे थे. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, खुद पे सोचो आपने क्या किया, एक साल में ऐसे क्या अचीव किया, खुद के लिए क्या किया. अगर आपको लगता है आपने सिंसियरली पढ़ाई की ये चीज है, यू आर एट ए प्लस पॉइंट. अगर नहीं किया लगता है तो यू आर एट ए निगेटिव, बट यू कैन रिकवर इन दैट 10 डेज. अगर आप डेली 5-6 घंटे करते हो खुद के लिए तो आप बहुत आगे जाओगे, एटलीस्ट पीछे तो नहीं रहोगे, ये तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ. एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एज, यहाँ पे जो जो लड़ेगा एंड तक वही आगे जाएगा. सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टूडे सेशन. हम 11th को मिलेंगे, 11th या 15th में बोल दूंगा, 11th को मिलेंगे. बट आपको बुक्स लेने, किसी भी हालत में बुक्स रखो, डोंट एक्सपेक्ट मी टू फ्लिप एंड फ्लिप एंड फ्लिप. सबके पास बुक्स होने मैंडेटरी है. 10 दिन है, आप कर सकते हो अरेंज, इतना पढ़ आपके पेरेंट्स को बोल दो कि हमें बुक्स चाहिए, वो लाके देंगे, वो कहीं आपके पढ़ाई के लिए कुछ भी करेंगे. आपने पढ़ना इंपॉर्टेंट है. और जो पुणे के बच्चे हैं, अब अमेजोन पे बुक्स मिल रहे हैं शायद से, आप अमेजोन पे देखो ना, गाँव गाँव में अमेजोन आता है, शायद से अमेजोन पे बुक्स रहेंगे. एक बार चेक तो करो है क्या, देखो एक सेकंड. इसमें रहेगा अमेजोन, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, अगर है तो इधर ही सॉल्व हो जाएगा. आई डोंट नो मेरे इसमें अमेजोन है या नहीं है, एक सेकंड. है ये वाला बुक, एक सेकंड ये चेक कर रहा हूं, एडिशन कब की है. फर्स्ट जनवरी 2021. हाँ तो ये होना चाहिए. कैसे पता चलेगा ये कौन से इसका है,
10 डेज रिप्लेसमेंट भी है, 10 डेज की रिप्लेसमेंट भी है। एक सेकंड, कवर कैसा था? इधर कवर दिखेगा, ऐसे कवर है। एक सेकंड, लेट मी शो यू। आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो है ना, आपको पता है सॉफ्ट कॉपी कहां से डाउनलोड करनी है? ये तो पता है ना सॉफ्ट कॉपी कहां से डाउनलोड करनी है? बाल भारती के वेबसाइट से, तो वहां से देखो ना, यही है शायद से, यही है क्या वो पेन ड्राइव वगैरह ये सब? हाँ यही है। तो यहां से भी बाई कर सकते हो, पूरा सेट ले सकते हो यहाँ पे। अगर वो नहीं है तो रिटर्न भी कर सकते हो 10 दिन में, 10 दिन में आप रिटर्न भी कर सकते हो, 10 डेज रिप्लेसमेंट ओनली। तो नए वाले बुक्स ले लो, यहाँ पे मिलेंगे आपको। और नई सिलेबस करेंगे, ओल्ड सिलेबस के ये क्यों रखेंगे अमेज़न वाले? ठीक है, डिलीवरी होती है, अब पूरे महाराष्ट्र में होती है, वो भी प्रॉब्लम नहीं। आगे ठीक है, तो आप यहां से भी ले सकते हो, दिस इज लास्ट ऑप्शन, अगर आपको इधर मिलता नहीं तो। ठीक है, सो 11th जून पकड़ के चलो, वी विल मीट ऑन 11th जून, एंड वी विल अब उसमें थोड़ा फिर हमारा स्पीड रहेगा 11 जून से, टाइम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, किसी का कुछ है तो आप मुझे बोल सकते हो बिफोर आई एंड फॉर द डे। यस, गुड, थैंक यू।